सिद्धार्थ या सिद्धत्व, क्योंकि पाली के अंदर आधा रह तो होता नहीं। जब आधा रह होता नहीं तो फिर हम बुद्ध का, यानी बुद्ध से पहले जो नाम था उसको सिद्धार्थ पढ़ें या सिद्धत्व पढ़ें? पाली में पढ़ेंगे तो सिद्धत्व है, और संस्कारित भाषा में पढ़ेंगे मॉडिफाइड या जो बाद में बदला गया है तो सिद्धार्थ है, क्योंकि उसमें आधा रहे। सिद्धत्व का मतलब होता है जो सिद्ध कर दे, सफल कर दे अर्थ को, यानी अर्थ को जो सफल कर दे वो सिद्धत्व होता है। और सिद्धार्थ का मतलब भी वही होता है, यानी कि जो अर्थ को सफल कर दे। पाली में अर्थ बोलते हैं और संस्कृत भाषा में अर्थ बोलते हैं, क्योंकि आधार है पाली में पुरानी भाषा में नहीं होता, यानी ऊपर लगा हुआ आधार है या जो नीचे शब्दों में लगता है आधार है पाली में नहीं होता, संस्कृत भाषा में बाद में लगाया गया है, जोड़ा गया है। इसलिए आप सिद्धार्थ गौतम कह सकते हैं या सिद्धार्थ गौतम, यानी दो मात्राएं गौतम में जो आती हैं वो बाद में आती है संस्कृत भाषा में, पाली में नहीं है। तो कैसे बोलेंगे संस्कृत भाषा में? सिद्धार्थ गौतम, दो मात्रा वाला गौतम। और पाली में शुद्ध कैसे बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे पाली में सिद्धार्थ गौतम, गौतम बोलेंगे उसके अंदर। धन्यवाद। सा राधा गुरु मन सिखा पदिंग स्मार।